Welcome back to the channel. So in today's video we'll talk about some color grading stuff and aaj ka video hindi mein hoga because bahut logon ne mereko bulaya hindi mein banane ko. So yeah, aaj ka video hindi mein hoga. So hum log yahan pe color grading karne wale hain, but before grading we will actually do some color correction. And as aap dekh sakte ho ki ye jo clip hai yahan pe ye kafi लो कॉन्ट्रास्ट है एंड लो सैचुरेशन है. सो मैंने इसको लॉग प्रोफाइल में शूट नहीं किया बट फ्लैट में शूट किया है, विच एक्चुअली रिजेंबल्स लाइक अ लॉग. सो अब लॉग होता है क्या, लेट मी टेल यू बेसिकली क्या होता है. व्हेन यू शूट योर वीडियो, अगर आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे शूट करते हो या आप पोर्ट्रेट पे शूट करते हो, तो वो उसमें ऑलरेडी कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन सब कलर्स एंड सब कुछ ऑलरेडी बेक्ड इन रहता है, ठीक है. बट जब आपको आप चाहते हो कि आप खुद उसमें कुछ कलर करेक्शन कर सको या खुद से कुछ आप खुद का ट्वीक्स कर सको, देन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लॉग में या फिर खुद का एक फ्लैट या न्यूट्रल प्रोफाइल में शूट करो. सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फ्लैट प्रोफाइल बनाया अपने कैमरे में. आई विल टेल यू हाउ टू डू डैट. ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन एंड शार्पनेस, इन तीन चीज़ों को कम्प्लीटली जीरो तक लेके जाना होता है. सो एज यू कैन सी नाउ, इसको हम लोग बोलते हैं वेव फॉर्म एंड ये है हम लोग का आरजीबी परेड. सो वेव फॉर्म में आप देख सकते हो कि जो भी डेटा है, जो भी डिटेल्स है, वो सब आपके 80 से लेके अराउंड 15 आईआरई के बीच में एग्जिस्ट करता है. नॉट द आईआरई, दिस वन इज द आईआरई. सो उसके बीच एग्जिस्ट करता है. एंड वेव फॉर्म्स अगर आप देखो, सॉरी आरजीबी परेड अगर आप देखो, तो रेड का वैल्यू हल्का सा ज़्यादा है, तो वो बाद में देखेंगे. फर्स्ट लेट्स कम टू द वेक्टरस्कोप. पहले आपको इस इमेज को, बिकॉज हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड में या किसी में शूट नहीं किया है, हम लोग इसको फ्लैट में शूट किया, तो इसको पहले आपको लॉग से एक रैक 709 बोल लो या फिर एक स्टैंडर्ड लुक में लेके आना है. बेसिकली आपको कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, सैचुरेशन इंक्रीज करना है एंड हल्का सा शार्पनेस. आप चाहो तो डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर सकते हो समथिंग लाइक दिस, बट मत करना बिल्कुल भी नहीं. सो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने के लिए हाईलाइट्स एंड शेडोज के साथ प्ले करेंगे. सो इन शॉर्ट, कॉन्ट्रास्ट होता क्या है, कॉन्ट्रास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द इमेज एंड द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द इमेज, ठीक है, ये समझ लो. तो हाईलाइट्स को हम लोग हल्का सा पुश करेंगे एंड शेडोज को हम लोग क्रश करेंगे. यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी यहाँ पे ये वेव फॉर्म है, ठीक है, इसको कंटिन्यूसली देखना, जो भी डिटेल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपका 100 को टच ना करे एंड 0 को टच ना करे, इसके बीच एग्जिस्ट करता हो. अगर मतलब थोड़ा जस्ट यू नो थोड़ा वाइड स्प्रेड हो, अगर वाइड स्प्रेड होता है देन यू कैन से कि हाँ अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट है. अब जब आप शेडोज को पुल करोगे तब ये कम्प्लीटली पुल होगा, बट अगर आप ब्लैक्स को पुल करोगे तो बस नीचे नीचे का एरिया पुल होगा, ठीक है. तो आप उस वे में एडजस्ट कर सकते हो, आपको ब्लैक स्किल करना है. आपको जैसे अभी मैं यहाँ पे ब्लैक्स क्रश कर रहा हूँ बिकॉज आई नो कि ब्लैक्स एंड जीरो वैल्यू एंड इसके ऊपर काफ़ी स्पेस है, एंड आई नो कि मेरे को इसको जितना हो सके उतना स्प्रेड करना है, सो डैट मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक रेंज मिले, नॉट जस्ट डायनेमिक रेंज बट ज़्यादा से ज़्यादा शेड्स मिले इन माई टोनल वैल्यू. अगर इसको आप, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसमें में देखने में, आप चाहो तो इसको ब्लैक एंड वाइट करके भी देख सकते हो. इन डैट वे यू विल नो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोन्स ऑफ ग्रे मिल रहा है टू प्ले विथ. नाउ ये ब्लैक जीरो को टच कर रहा है हल्का सा ऊपर. अगर जीरो को टच करता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स जस्ट वो कम्प्लीटली वैल्यू जो है उसका वो लूज हो रहा है. एंड 100 में अगर टच हो जाता है इट्स क्लिपिंग. क्लिपिंग मतलब हाईलाइट्स क्लिप हो रहा है. देखा ही होगा आपने, अगर आप कोई फोटोज क्लिक करते हो अगर वहां पे स्काई अगर कम्प्लीटली व्हाइट हो जाता है, यू नो इट्स ओवर एक्सपोज, इट्स क्लिपिंग. सो भाई आपको ध्यान रखना है कि ये क्लिप ना और ये क्लिप ना. हल्का सा अगर जीरो क्लिप होता भी है डज नॉट मैटर मच, आपका हल्का सा डिटेल्स लूज होगा, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके. सो इन माई ओपिनियन अब मेरे को ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है इमेज, बट अगेन शेडोज में ज़्यादा डिटेल्स है, इन हाईलाइट्स में उतना नहीं है. सो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की तरफ पुश करूँगा, या इट्स डिसेंट. अभी जो भी डिटेल्स है वो इवनली स्प्रेड है. वाइट्स के साथ भी हल्का सा प्ले करना है मेरे को, वाइट्स को हल्का सा पुश करना है एंड हाईलाइट्स को थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ. नाउ एज यू कैन सी, जो सारा डिटेल्स है वो इवनली स्प्रेड हो चुका है अक्रॉस द वेव फॉर्म. ये हो चुका है, अब सैचुरेशन इंक्रीज करना है. ज़्यादा नहीं करेगा, हल्का सा करेगा. वन
21, 26, दिस इज समवेयर ना, यहाँ पे आपको काफी ध्यान देना होगा, ज्यादा आप सेट हो गया है अभी एंड थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को, नहीं ठीक है, ब्लैक्स एक्सपोजर भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, अब हल्का सा शार्पनेस इंक्रीज करेंगे, हल्का सा, ओके दिस लुक्स गुड, सो दिस इज द बेसिक करेक्शन। अब आपका इमेज अगर आप देख रहे हो तो ये काइंड ऑफ लाइक स्टैंडर्ड प्रोफाइल जैसा आ गया है। अब यू कैन सी आरजीबी परेड में अगर आप देखोगे तो रेड का वैल्यू ज़्यादा है, डैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर हल्का सा ड्रॉप करो एंटायर इमेज का तो ये अभी ब्लू का ज़्यादा हो गया, सो इसको बीच में लाना ला सकते हो अगर आपका मन है। हाँ तो ये काइंड ऑफ लाइक बैलेंस्ड है, अब डैट मीन्स आपका जो वाइट बैलेंस है वो भी प्रॉपर है। अगर आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप कुछ ना कुछ करोगे, सो आई वुड रादर लाइक जस्ट इंक्रीज द टेम्परेचर अ बिट देन प्ले विद इट, बट अगर आपको प्रॉपरली बैलेंस करना है इमेज को देन आप ब्लूज रेड्स एंड ग्रीन तीनों का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल रखो, ग्रीन का वैल्यू हल्का सा कम लग रहा है तो हल्का सा बढ़ा सकता हूँ। ओके नाउ दिस लुक्स काइंड ऑफ लाइक ओके, आप थोड़ा और ट्विकिंग्स कर सकते हो एंड वाइट बैलेंस प्रॉपर कर सकते हो, सो बेसिकली इन तीनों का वैल्यू अगर सेम है डेट मीन्स आपका तीनों जो चैनल्स होते हैं वो सेम है। अभी वेक्टरस्कोप एक्चुअली क्या है, ओके ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका फ्लैश लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंस कोई स्किन है नहीं एंड आई डोंट वॉन्ट टू यूज एनी ऑफ माई क्लाइंट्स वर्क हियर, तो फ्यूचर वीडियो में आई विल शो यू व्हाट टू डू। अगर आपने स्किन को मास्क आउट कर लेते हो देन यू नो कि अगर उसका टोन आपका फ्लैश लाइन पे एग्जिस्ट करता है देन द स्किन टोन इज प्रॉपर, ये स्किन टोन्स के लिए यूज होता है जनरली, बट ये वीडियो स्किन टोन्स पे नहीं है सो नॉट ऑन टू दैट। टोन्स आपका ठीक है, एक्सपोजर मिल चुका है प्रॉपरली, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डिसेंट एक्सपोजर, आप चाहो तो और ट्विकिंग्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लाइकनेस, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो तो आई कैन ब्रिंग द शेडोज अ बिट लो और मे बी किल द ब्लैक्स अ बिट, पुल द शेडोज, या वो आपके ऊपर है आप कैसे प्रेफर करते हो। सो डैट इज इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड ये बस कलर करेक्शन था, कलर ग्रेडिंग नेक्स्ट वीडियो में करूँगा टू डेमोन्स्ट्रेट एंड या डैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या बाय।